नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। वो मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? एलसीएम और एससीएफ। देखिए, हम लोग मैथ का बिहार पुलिस के जो आपका 10 अंक का पूछा जाता है उसका लगभग 8 से 9 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। पिछला सभी क्लास प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर लिखा होगा बिहार पुलिस मैथ, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। आप उस 8 से 9 क्लास को देखिएगा तो वहाँ 6 से 7 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा और कोई क्लास 12 नहीं होगा। उसी क्लास में जो जो क्लास उसमें छूट चुका है मैथ के लिए, हम बोले थे आपसे कि बीच में उस टॉपिक को लाकर आपका कवर करा देंगे, वही काम चालू किए हैं। इसलिए जो भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, और तथा जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो जो टॉपिक छूटेगा वो पूरा कवर कराया जाएगा। 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। एग्जाम से आपका 10 से 12 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट करके और एग्जाम के अंतिम समय में आपको मैराथन क्लास दिया जाएगा। लिखा है एलसीएम एंड एससीएफ। क्या लिखा है? एलसीएम एंड एससीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एससीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन मल्टीप्लाई। एससीएफ फैक्टर हायर कॉमन फैक्टर होता है, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। यानी एलसीएम को हम लोग लसा, एससीएफ को हम लोग मसा बोलते हैं। लसा का हिंदी में फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक, मसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। अब चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित जितना टाइप होगा सभी टाइप आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिखा है एलसीएम यानी लसा, इसके परिभाषा से ही इसका क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या। क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, काटे नहीं, जो जितना संख्या दिया गया है इन सभी संख्याओं से वो कट जाए, उसे एलसीएम बोला जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या कीजिए 2, 4, 6 लिख कर इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये जो आपका 12 आ रहा है ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों संख्याओं से कट जाएगा। जैसे 2 से भाग दीजिएगा 12 में तब भी कट जाएगा, 4 से भाग दीजिएगा 12 में तब भी कट जाएगा, 6 से भाग दीजिएगा 12 में तब भी कट जाएगा। यही एलसीएम होता है। एलसीएम क्या होता है? जो दी गई सभी संख्याओं से खुद कट जाए उसी को एलसीएम बोला जाता है। 12 से कम कोई भी अंक लीजिएगा, ये तीनों अंकवा से नहीं कटे। मान लीजिए 10 ले लीजिएगा, 2 से तो कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। उसके बाद मान लीजिए 8 लेते हैं तो 2, 4 से तो कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा। इसलिए 12 जो आपका एलसीएम होगा यह सबसे छोटी से छोटी संख्या होगा। यहाँ तक समझ चुके हैं? इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा टाइप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहले नोट में ध्यान दीजिए क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि पावर के बड़े ग्रुप को एलसीएम कहते हैं। ठीक, कैसा इसमें प्रश्न दिया रहेगा पावर का बड़ा ग्रुप। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा रहेगा। 2 के पावर 4 × 2 के पावर 3 × 2 के पावर 8 × 2 के पावर 9 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? ठीक, यहाँ पर बता चुके हैं एलसीएम के बारे में कि जो पावर में सबसे बड़ा होगा यानी पावर के जो बड़ा ग्रुप होगा इसमें से कौन सा पावर का बड़ा ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है 2 के पावर 9। 2 के पावर जो आपका 9 है ये सबसे पावर का बड़ा ग्रुप होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है, यानी पावर के जो बड़े ग्रुप होगा वही आपका एलसीएम होगा। क्यों होगा यहाँ बताएं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, दो के पावर चारों से कट सकता है, दो के पावर तीनों से कट सकता है, दो के पावर आठ से भी कट जाएगा, दो के पावर नौ से कट जाएगा। इसलिए ये एलसीएम जो होता है पावर के बड़े ग्रुप को एलसीएम कहते हैं। इस टाइप का एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला, अगर इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं थ्री, क्या लिखेगा कि 7 के पावर -1 गुने 7 के पावर -2 गुने 7 के पावर -3 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा। तो क्या करना है अभी पता है, पावर के बड़े ग्रुप में या अगर सभी माइनस में दिया रहे तो माइनस में मान लीजिए, माइनस में मेरे पास, माइनस का अर्थ होता है कर्ज, मेरे पास 1 रुपया कर्ज है, आपके पास 2 रुपया कर्ज है, किसी के पास 3 रुपया कर्ज है, तो कौन सबसे बड़ा है, जिसके पास सबसे कम कर्ज होता है। उसी तरह 7 के पावर -1, 7 के पावर -2, 7 के पावर -3, तो ये जो 7 के पावर -1 दिखाई दे रहा है ये आपका सबसे बड़ा होगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम समझ चुके होंगे, इसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन और बता देते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्द से आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इस पर एक और क्वेश्चन बताते हैं, एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एचसीएफ बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन को बताएंगे। एलसीएम को ध्यान रखना है, क्या बोले हैं कि कहीं भी दिखाई दे, पूछ दे आपसे, पावर के बड़े ग्रुप को एलसीएम कहते हैं, ठीक। नोट में एक चीज और बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण यही होता है, ये थोड़ा सा मैथ का टेक्निक समझ गए, क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। नोट में क्या रखना, याद रखना है कि अगर क्या, अगर प्रश्न में, प्रश्न में छोटी से छोटी या कम पूछे तो एलसीएम निकालें। अगर मैथ का कोई भी प्रश्न बना रहे उसमें अगर दिखाई दे दे कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, मान लीजिए 5-7 अंक देकर पूछ दे, या कम से कम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप एलसीएम निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन 4 नंबर समझिए कि वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या जो 4, 5, 6, 15, 18 से कट जाए। और आप ऑप्शन में आपका दिया है, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया है 1600, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 900, तीसरा ऑप्शन आपको दिया रहेगा 3600, चौथा ऑप्शन आपको दिया रहेगा 2500। इस टाइप का अगर प्रश्न दिया रहे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि छोटी से छोटी या कम से कम दिखाई दे दे, तो यहाँ देखिए छोटी से छोटी दिखाई दे रहा है और संख्या दिखाई दे रहा है, तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, 4, 5, 6, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। कैसे एलसीएम निकलेगा, 2 से कटाइए, 2 दूना 4, 5 2 3 6, 15 2 9 18। अब 3 से कटाइए, 2 5, ये 3 है आपका, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9। अब 5 से कट कर दीजिए, 2 1 1 1 3, और इस सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 3 90, 90 दूना
180, यानी आपका एलसीएम कितना आ गया 180। तो एलसीएम क्या कहता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। तो अगर इसका एलसीएम 180 आ गया तो वह इस चारों में से वह छोटका ऑप्शन चूज करना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो वर्ग का बात है, 1600 भी वर्ग है, 900 भी का भी वर्ग निकल जाएगा, 1600 का 40 वर्ग निकलेगा, 3600 का 60 निकलेगा, 2500 का 50, यानी चारों वर्ग है और पूर्ण वर्ग का बात पूछ रहा है। तो छोटी संख्या निकालना है तो 180 में सबसे छोटा संख्या में पहले भाग दीजिए, क्या 900 में भाग लग जाएगा 1895, तो यही आपका आंसर होगा। अगर छोटी संख्या 900 में भाग नहीं लगता तब आपका 1600 में भाग देकर चेक करते यही आंसर होता, लेकिन सबसे छोटी संख्या 900 है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम आपका से संबंधित आपका इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए कि एचसीएफ क्या है और उससे संबंधित किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एचसीएफ के बारे में अच्छे से जानेंगे, पीछे हम लोग एलसीएम जाने थे, और एलसीएम का साफ उल्टा एचसीएफ होता है। इसमें बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम में छोटी से छोटी बोल रहा था, इसमें बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, और एलसीएम में बोल रहा था कि कट जाए और इसमें बोल रहा है कि काट दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या जो काट दे उसे एचसीएफ कहते हैं। नोट ये बात चीज याद रखिएगा, अगर प्रश्न में बड़ी से बड़ी जहां दिखाई दे दे, क्वेश्चन दे और पूछे बड़ी से बड़ी, या पूछे अधिकतम, जहां पर ज्यादा से ज्यादा का पूछने का बात आ जाए, वहां पर चुपचाप आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, और नोट में एक और बात चीज ध्यान रखिएगा, इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर पावर के, क्या चीज, पावर के छोटे ग्रुप को एचसीएफ कहते हैं, कैसे, क्वेश्चन समझिए। उसमें था कि पावर के बड़े ग्रुप को एलसीएम कहते थे, इसमें पावर के छोटे ग्रुप को, अब क्वेश्चन एक नंबर समझिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दे दे 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 4 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। ठीक, इस तरह का प्रश्न आपको दिया रहे, तो बोला है कि पावर के छोटे ग्रुप, यानी 2 का पावर 2 है, यानी 2 का पावर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, यानी 2 का पावर 2 से भाग दीजिएगा तो सभी में लग जाएगा, इसलिए ये आपका एचसीएफ हो गया। समझ चुके होंगे, पावर के जो पावर दिया रहे 5 गो 7 गो, जो सबसे छोटा होगा वो आपका एचसीएफ, और जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो आपका एलसीएम होता है। ये हो गया एक टाइप का प्रश्न। दूसरा आपसे इसे किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है वो चीज ध्यान दीजिए। दूसरा कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, यहां लिख रहे हैं देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा कि 119 मीटर कोमा 153 मीटर तथा 204 मीटर लंबे, क्या बोल रहा है, लंबे 3 इमारती लकड़ी, कितना 3 ठो लकड़ी दिखाई दे रहा है, 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर, 3 इमारती लकड़ी, 3 इमारती लकड़ी के समान लंबाई के तख्ते में विभाजित है, के तख्ते में विभाजित है, विभाजित है, तो हर तख्ते का अधिकतम लंबाई क्या होगा, तो हर तख्ता का
अधिकतम लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अधिकतम लंबाई। समझिए, इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि 119 मीटर, 153 मीटर तथा 204 मीटर तीन फुट लंबा इमारत वाला लकड़ी रखा हुआ है और सभी लकड़ी को एक समान बराबर में बांटा गया है, तो इसका अधिकतम लंबाई क्या होगा? अधिकतम पूछ दिया, ध्यान दीजिए यहाँ बोले हैं अधिकतम। जहाँ पर अधिकतम दिखाई दे दे चुपचाप एचसीएफ निकाल दीजिएगा। कैसे, कौन कौन सा यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं देख लीजिएगा, लास्ट में आपको समय देंगे स्क्रीनशॉट लिखिए के लिए। 119 मीटर है, दूसरा है 153 मीटर, ठीक, तीसरा है 204 मीटर, तीन ठो दिया है। आप चाहिए तो इसे एचसीएफ जैसे देते हैं इससे इसमें भाग देकर जो शेष आया उससे इसमें भाग देकर कटा कर ला सकते हैं। इसको एक और इजी ट्रिक है कि इसमें से इसको घटा लीजिए तो ये आपका 34 आ जाएगा, इसमें से इसको घटा लीजिए तो ये आपका 51 आ जाएगा। और आप 34 से 51 में भाग दे दीजिए, 34 से कम 34, यहाँ पर आपका बच जाएगा 17, 17 से 34 में भाग दे दीजिए, 17 दूना 34, ठीक कट गया। आंसर जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा कितना, 17 मीटर। कितना आंसर आएगा आपका? 17 मीटर। इस तरह का कोई प्रश्न दिया रहे, अगर अधिकतम बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ, अगर कम से कम छोटी से छोटी पूछ दे तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। पावर का बड़ा ग्रुप होगा, जो बड़ा दिखाई देगा वो एलसीएफ, और पावर के जो छोटा ग्रुप दिखाई देगा वो आपका एचसीएफ होगा। जल्द से इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसका एक और टाइप है बता देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम इसको मिटा रहे हैं और ध्यान से देखिए। अब लास्ट है, इससे जो जिस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है सभी टाइप आपको बता चुके हैं। अब इस पर जिस तरह जैसा प्रश्न में पूछे जोड़ने घटाने गुणा करने के लिए वैसे करते रहिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला ही है नोट में, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस होता है। क्या बोले हैं कि पहली संख्या, इससे भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है इस टाइप से भी, इसलिए इसको भी बता दिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। इसमें कैसे प्रश्न दिया रहेगा देख लीजिए, बोलेगा कि दो संख्या का मस दिया रहेगा, मस कितना है 16 है तथा लस दिया है, लस बराबर 160 है तथा एक संख्या दिया है, एक संख्या बराबर 32 है तो दूसरी संख्या निकाले, तो दूसरी संख्या निकालें, ठीक। इस टाइप का कोई दिया रहे तो इस फॉर्मूला पर बैठा देना है, आपको फॉर्मूला बैठाना है, पहली संख्या हमको निकालना है दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना दिया है एक संख्या का अर्थ हो गया कि पहली संख्या 32 गुने दूसरी संख्या निकालना यानी कि सेकेंड नंबर निकालना है बराबर लस गुने मस, लस कितना है 160 है गुने मस दिया है, मस कितना है 16 है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 160 गुने 16 बट्टा 32 कर दीजिए, 16 दूना 32, दो से काटिएगा तो 80 आंसर होगा। ये आपका दूसरी संख्या निकल गया। एलसीएम और एचसीएफ का पूरा भंडारा कर दिए, जितने टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतने टाइप का बता चुके हैं। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें पूरा विश्वास है कि आज का आपका क्लास एलसीएम और एचसीएफ को बहुत अच्छा से समझ में जरूर आया होगा। आज के क्लास करने में बहुत मेहनत लगा, इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर दबाकर जरूर करना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।